हेलो गाइस, ये नेल आर्ट मैंने की है और मार्केट में नेल आर्ट की, जैसे आपको पता है, बेसिक नॉर्मल नेल आर्ट कराने के भी 1000 रुपीज़ और 800 रुपीज़ अब लगते ही हैं। इससे कम तो कहीं पे भी नेल आर्ट होती नहीं है, बेसिक नेल आर्ट भी। लेकिन ये मैंने करके देखी थी ओनली 50 रुपीज़ में, 50-60 अबव अपन बोल सकते हैं। बन ये 10 रुपीज़ में भी सकती है, लेकिन मैंने थोड़ा सेफली किया था इसलिए ये 60 रुपीज़ में बनी। ये जो नेल्स हैं और इसके साथ ग्लू आई है, ये आए हैं 10 रुपीज़ के। और लेकिन ये जो ग्लू है, ऐसा बोला था उन्होंने जो कॉस्मेटिक शॉप से कि ये अच्छी नहीं होती, तो इसके साथ आप अलग से ग्लू खरीद लीजिए जो हमेशा काम आ जाएगी। तो ये मैंने खरीदी थी और ये थी 45 रुपीज़ की। आप इस पर रेट रख देख सकते हैं। इससे उसको चिपकाने पर ये वापस से हटती नहीं है, इसलिए इसको अलग से मैंने खरीदा था। अदरवाइज इसके साथ भी आती है और मैंने उसे देखा भी था, वो अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने सेफली इसे खरीदा। अब ये मैंने ग्लू को ओपन किया और ये बिल्कुल जैसे नेल प्रिंट लगाते हैं उसकी जैसे ब्रश के साथ आया था ये ग्लू। और ये मैंने अपने नेल्स पर पहले अप्लाई किया इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे अप्लाई किया है। ये इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया, एवरी नेल्स पर पहले अप्लाई कर लिया है, जिससे कि बार बार कोई इशू ना हो। पहले एक बार सारा ग्लू लगा लिया है। अब ग्लू लगाने के बाद मैं वन बाय वन, पहले मैं मेरा कैमरा सेट कर रही थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए। और उसके बाद हमने वन बाय वन नेल्स पेस्ट किए इस पर, बस ऐसे उठा उठा के। और जो इसके साइज़ के नेल्स होते हैं, जैसे स्मॉल फिंगर के लिए जो है वो उस साइज़ का नेल है ऑलरेडी बने हुए हैं, और आपको अगर उसमें कोई नेल्स को छोटा करना है या कुछ कट करना है तो आप नेल कटर से उस नेल को एडिट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने एज इट इज़ ही बस चिपका दिए थे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, छोटा करना है नेल्स, तो आपको नेल फाइलर से पहले करना होगा, चिपकाने से पहले। चिपकाने के बाद आप नहीं कर सकते। और इस तरीके से मैंने इनको दवा दवा के अच्छे से चिपका दिया, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से चिपक गए थे मेरा ये मैंने लगाकर पूरा करवा चौथ सेलिब्रेट कर लिया था। रात को भी सो गई थी, सुबह फिर मैंने जब काम किया, थोड़ा ज़्यादा काम करने से हटते हैं, अदरवाइज ये हटते भी नहीं हैं। और ये मेरा वापस से कैमरा ख़राब हो गया था, वापस से इसे सेट कर रही थी। अब ये हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने नेल्स पूरा आराम से चिपका लिया है। ये जो थंब वाला है ये थोड़ा सा बाकी रह गया था, हल्का सा हट रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वापस से अच्छे से इसे पेस्ट कर देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है इसमें डबल सेट आते हैं, तो आप आराम से 10 रुपये के नेल में 2 या 3 बार अपना नेल आर्ट कर सकते हो। और ग्लू तो आपका आराम से 5-6 टाइम चल जाएगा, जो आपने 45 का अलग से ख़रीदा है, तो कोई इशू नहीं है। और ये मेरे नेल्स अब हो गए हैं बेसिक तैयार। आप चाहो, जैसे किसी किसी को वाइट नेल्स पसंद होते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हो, बस पीछे की साइड आप थोड़ा सा आप फिनिशिंग नेल फाइलर से दे दें। लेकिन मुझे करवा चौथ के हिसाब से रेड नेल प्रिंट लगानी थी, इसीलिए मैंने रेड नेल प्रिंट लगाई थी। और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही किया था, मैंने तो ट्रायल के लिए किया था कि चलो देखते हैं कि 1000 वाले नेल आर्ट हम घर में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि करते तो वो लोग भी ऐसे ही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, तो ये काफ़ी यूज़फुल थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने ये नेल आर्ट नेल प्रिंट जो है वो लगा ली थी। एक नेल मैंने छोड़ा था, मुझे लगा कि मेरे पास जो दूसरा गोल्डन कलर का नेल प्रिंट है वो मैं इस पे अप्लाई करूँगी, लेकिन वो ना लुक नहीं दे रहा था, तो मेरे को वापस से उस पर रेड लगाना पड़ा। ये मैंने इस तरीके से छोड़ा था। और ये जो आप वाइट वाला नेल्स बचा है, इस पे मैं ये गोल्डन वाला अप्लाई करना चाह रही थी। मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा शिमर करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टाइप गोल्ड था। तो फिर मैंने इस पर ही वापस से गोल्डन वाला रेड कलर जो है वो अप्लाई कर लिया गोल्डन के ऊपर ही। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शाइन अच्छा कर रहा है, तो फिर मैंने सारे पे गोल्डन वाला अप्लाई कर लिया। इस तरीके से बस आप चाहो तो कोई और नेल का कलर यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। बस आपको ये पेस्ट करने के बाद नेल्स पे आप अपने अकॉर्डिंग नेल आर्ट कर सकते हो। नेल आर्ट के लिए ग्लू वो भी आती हैं, वाइट कलर कलर्स भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैंने ये शिमर लगाई, इस तरीके से मेरे नेल्स थोड़े चेंज हो गए। और ये देखो, मेरा बिल्कुल नेल की एकदम फिनिशिंग हो गई। फिर मुझे थोड़ा सा और चेंजेस करने थे, थोड़ा
तो आप देखो, ये मैंने छोटी वाली बिंदी का पत्ता लिया था और उसमें से सारी छोटी छोटी बिंदी ऐसे करके कॉर्नर पे चिपका ली, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अगर आप भी चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको भी नेल आर्ट 60 रुपये में करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। किसी पार्टी में जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।